हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल आउटसाइड्स। आज हम आपको बताएंगे आप अपने फ्री टाइम में घर बैठे अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों में पार्ट टाइम जॉब कैसे कर सकते हैं और साथ में डेली का 2 से 3 हजार मतलब कम से कम महीने का 1 लाख रुपए तक अर्निंग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड्स इस कैटेगरी की ये है कि इसमें आपको कोई फिक्स टाइम नहीं देना है। आप जब फ्री हो, जितने टाइम के लिए फ्री हो, आप ये काम कर सकते हैं। बस आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए और उसमें इंटरनेट होना चाहिए और ये पूरा काम 24 आवर्स अवेलेबल होता है, तो आप अपने फ्री टाइम में चाहे जब ये काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है, ये वीडियो सच में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम आपको सिर्फ बताएंगे ही नहीं बल्कि पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे कैसे अप्लाई करना है, कैसे रेगुलर इनकम जनरेट करना है। तो चलिए पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पे काम क्या क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 कैटेगरी में काम है, आप चाहे तो किसी एक कैटेगरी में काम कर सकते हैं और चाहे तो दोनों कैटेगरी में काम कर सकते हैं। पहले कैटेगरी में आप अमेज़न के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, इसमें भी 2-3 टाइप के काम होते हैं। से पहला काम है इमेज एंड वीडियो वेरिफिकेशन। दोस्तों जब भी हम अमेज़न से किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वहाँ पे उसके प्रोडक्ट के फोटोज को और वीडियोस को हम देखते हैं। इस कैटेगरी में आपको यही काम करना है कि जितने भी लिस्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं, अमेज़न आपको एक टास्क देगा कि इन लिस्टर के आपको वीडियोस और फोटोज को चेक करना है। उसमें चेक आपको ये करना होता है कि उन्होंने जो भी टाइटल में या फिर वीडियो में या फिर अपने फोटोज में जो भी डिटेल्स को मेंशन किया है वो सही है या नहीं। इससे अमेज़न ये वेरीफाई करता है उनके वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट है वो मिसलीड तो नहीं कर रहे हैं, वो सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लिस्टर आते हैं वहाँ पे स्पैम करने के लिए, मतलब वो फोटो कुछ और दिखाएंगे और प्रोडक्ट कुछ और डिलीवर कर देते हैं, तो ऐसे ही चीजों को रोकने के लिए अमेज़न ये सर्विस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे दूसरा कैटेगरी है जिसका नाम है डेटा वेरिफिकेशन एंड क्लीनअप। इस कैटेगरी में फ्रेंड्स आपको वेरिफिकेशन का काम करना है और वेरिफिकेशन में आपको ये करना है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े ब्रांड के डुप्लीकेट प्रोडक्ट को कोई मैन्युफैक्चर करता है और उसको भी अमेज़न पे सेल करने लगता है, तो आपको ये चेक करना है कहीं किसी प्रोडक्ट का डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है और कोई डुप्लीकेट या फिर स्पैम चीजों को तो नहीं सेल कर रहा है ना, और उसको चेक करके अमेज़न पे सबमिट करना होता है। इससे अमेज़न को और सेलर दोनों को बेनिफिट होता है क्योंकि जो ब्रांडेड सेलर होते हैं उनके डुप्लीकेट प्रोडक्ट सेल नहीं हो पाते और इससे अमेज़न को भी बेनिफिट होता है, सही प्रोडक्ट सही कस्टमर तक डिलीवर होता है। और यहाँ पे तीसरा कैटेगरी है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। इस कैटेगरी में आपको ब्रांड के प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज को जो कस्टमर परचेस किए रहते हैं प्रोडक्ट को उनसे आपको क्वेश्चन पूछना होता है कि वो उनको कैसा लग रहा है या फिर कितने सेटिस्फाई है उस प्रोडक्ट से, और इन सारे डेटा को जो वो कस्टमर प्रोवाइड करेंगे उसको अमेज़न में सबमिट करना होता है। अगर आप अमेज़न के साथ पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो आपको इन्हीं 3 कैटेगरी में काम करना है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं दूसरे मेथड के बारे में। इस मेथड में भी फ्रेंड्स आप काम अमेज़न के लिए ही करेंगे, लेकिन ये जो काम करेंगे वो अमेज़न का खुद का नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनीज है, उनके जो भी इस टाइप के काम होते हैं वो भी अपने प्रोडक्ट के लिस्टिंग को चेक करना चाहते हैं या डेटा एंट्री को बहुत सारे काम को करवाना चाहते हैं, वो सारे काम को अमेज़न को दे देती हैं और अमेज़न ये सारे काम को अपने वेबसाइट पर लिस्ट कर देता है, तो आप इन सारे काम को उनके वेबसाइट पे भी जाके कर सकते हैं। इस कैटेगरी में ज्यादातर आपको टास्क कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं, जैसे सर्वे कंप्लीट करने के लिए या फिर फीडबैक के लिए या फिर डेटा एंट्री के लिए। दोनों ही कैटेगरीज में फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पैसा है, आप चाहे किसी भी कैटेगरी में काम कर सकते हैं और आपके पास अगर ज्यादा टाइम है तो आप दोनों कैटेगरी में काम कर सकते हैं। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं आपको इस पे अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई करने के बाद काम कैसे करना है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे जाकर अमेज़न मैकेनिकल ट्रंक सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद अमेज़न मैकेनिकल ट्रंक वाले वेबसाइट को ओपन कर लेना है और जब आप इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो आपको राइट साइड में यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, साइन इन एज अ रिक्वेस्टर और साइन इन एज अ वर्कर। तो हमें साइन इन एज अ वर्कर पे क्लिक करना है और अब ये आपसे पूछेगा आपके पास अमेज़न अकाउंट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर है तो आप यहाँ से सिंपली साइन इन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं अमेज़न अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अपने नेम को फिल कर देंगे और उसके बाद अपने एक ईमेल आईडी को यहाँ पे फिल करिएगा और उसके बाद एक पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड को क्रिएट करने के बाद उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे भर के क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे क्लिक करना है। आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया था उस पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करना है और फिलअप करके वेरीफाई करना है। हमने अपने ओटीपी को यहाँ पे फिलअप करके वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नेक्स्ट पेज पे चले आएंगे जिस पेज पे लिखा होगा वर्कर रजिस्ट्रेशन और आपको यहाँ पे अब अपने सारे डिटेल्स को एकदम अच्छे से भरना है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑप्शन है कंट्री ऑफ रेजिडेंस, मतलब आप जिस कंट्री में रहते हैं आपको उस कंट्री को फिलअप करना है। यहाँ से आपको अपने कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे फुल नेम में आपको अपना पूरा नाम फिलअप करना है, उसके नीचे एक एड्रेस का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप करना है, उसके बाद आपको अपने सिटी के नेम को, अपने स्टेट के नेम को और अपने पोस्टल कोड को भी यहाँ पे फिलअप करना है। और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो
फोन नंबर ऐड करना है वो फोन नंबर आपके पास हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप यहाँ से पेमेंट लेंगे तो उस फोन नंबर से ही वेरीफाई होगा। तो यहाँ पे आपको फोन नंबर बहुत ही अच्छे से फिलअप करना है। अब आपसे यहाँ पे एक ये क्वेश्चन पूछेगा, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना या फिर हमारे बारे में आप कैसे जानते हैं। तो आपको सिंपली नीचे वाले आइकन पे क्लिक करके ऑनलाइन सर्च को सेलेक्ट कर लेना है। और इन्होंने यहाँ पे एक और क्वेश्चन को पूछा है कि आप हमें ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट पे काम क्यों करना चाहते हैं। तो सिंपली हमें पैसे अर्न करने के लिए यहाँ पे काम करना है, तो यहाँ पे अर्न मनी या फिर अर्न रिवॉर्ड को सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करके अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अब आपके स्क्रीन पे यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वी आर रिव्यूइंग योर रिक्वेस्ट टू ज्वाइन अमेज़न मैकेनिकल ट्रंक। मतलब आपने जो डिटेल्स को सबमिट किया है उस डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए कुछ टाइम लगेगा, तो ये अभी आपके अकाउंट को रिव्यू में रखे हैं। आपको 1-2 घंटे बाद अपने ईमेल इनबॉक्स को चेक करना है, वहाँ पे आपको अमेज़न की तरफ से दूसरा ईमेल मिल जाएगा कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया है। तब आप अमेज़न के साथ जो फर्स्ट कैटेगरी वाली बात हमने आपको बताई थी जिसमें आप अमेज़न के साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, तो वो सारे काम आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। और जब तक आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा है और आप इंस्टेंट पैसा कमाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक हिट्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको जस्ट इस पे क्लिक करके ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे बहुत सारे काम दिख रहे हैं, ये वही सारे काम है जो बहुत सारी कंपनीज अपने काम को अमेज़न को देती है करने के लिए। और राइट साइड में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, जैसे क्वालिफाई का और एक्सेप्ट एंड वर्क का। जो क्वालिफाई वाला ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि जो काम यहाँ पे अभी आया था उसको किसी ने ले लिया है काम करने के लिए। और एक्सेप्ट एंड वर्क का ये मतलब है कि इस काम को आप कर सकते हैं, आपको सिंपली इस पे क्लिक करके इस काम को कर लेना है। और बीच में आपको टाइटल का भी ऑप्शन मिलेगा, उस टाइटल में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको काम किस टाइप का करना है। काम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइटल वाले ऑप्शन में मिल जाएंगी, और काम कौन सी कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो आपको लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से मिल जाएगा, और उस काम को करने के लिए कितने पैसे मिलेंगे आपको यहाँ रिवॉर्ड वाले सेक्शन में मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वैकेशन होम लिस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे $4 मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिर्फ सेंट्स में ही पैसे मिलते हैं, आपको एक डॉलर में भी पेमेंट मिलते हैं। बस इसके लिए आपको अपने फ्री टाइम में 2-3 बार यहाँ पे रिफ्रेश कर करके देखते रहना है, जैसे ही कोई अच्छा वर्क आता है आप उसको एक्सेप्ट करके वर्क कर लेंगे। और अगर आप यहाँ से बहुत ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको एक सीक्रेट स्टेप के बारे में बताते हैं। यहाँ पे आपको राइट साइड में एक फिल्टर का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस फिल्टर वाले ऑप्शन को क्लिक करके ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आपको आई एम क्वालिफाइड टू वर्क ऑन को सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सॉर्ट्स बाय वाले ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ से न्यूएस्ट फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे जितने भी नए नए काम यहाँ पे अवेलेबल तुरंत आएंगे वो तुरंत आपको शो होंगे। इससे आपके ज्यादा अर्निंग करने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे आपको बहुत सारे नए नए ऑफर मिलेंगे, आप इसको तुरंत एक्सेप्ट करके काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी काम अभी अवेलेबल है इसको किसी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, ये सारे काम अभी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अमाउंट थोड़ा कम दिख रहे होंगे, तो इससे आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे किसी एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ 2-3 मिनट का ही टाइम लगेगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 59 सेंट्स मिल रहा है, यानी $0.5 मिल रहा है। तो आप 2-3 मिनट में ही $0.5 को अर्न कर सकते हैं, यानी 5 मिनट के अंदर $1 अर्न करेंगे, और $1 का मतलब 75 से 80 रुपए आप यहाँ पे अर्न कर लिए हैं। और जब आप अपने पेमेंट को चेक करना चाहें तो आपको यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके जितने भी डॉलर को अभी तक आपने अर्न किया है वो अवेलेबल अर्निंग वाले ऑप्शन में यहाँ पे शो होगा। और इसको ट्रांसफर करने के लिए आप सिंपली पेपल अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक अकाउंट को भी डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद आपको ट्रांसफर अर्निंग पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। और इस पूरे काम को हम आपको अपने डेस्कटॉप में करके दिखाएं। अगर आप इस पूरे काम को अपने मोबाइल फोन में करना चाहते हैं तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, और क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको वहां से डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। आप जैसे ही डेस्कटॉप मोड को ऑन करेंगे आप ये सारा काम वहां से इजिली कर पाएंगे। फ्रेंड्स अमेज़न अर्निंग से रिलेटेड एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो हमारे चैनल पे आने वाली है, और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।